मेरे सर्वर के माइनक्राफ्ट के हार्डकोर के एक फ्लोटिंग आइलैंड पे जो कभी डेंजरस था। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने इन 100 दिन में क्या क्या किया, तो लगी रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो पे एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो देखते रहो। कौन हुआ एक टूटे फूटे आइलैंड पे, और आपको तो पता हो कि ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है। तो मैंने सबसे पहले लकड़ी तोड़ा, आपने बेसिक टूल बनाए और मैंने शुरू किया माइनिंग। और माइनिंग करते 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 मुझे पता चल गया कि मेरी माइनिंग करने की कोई औकात ही नहीं, क्योंकि भाई देखिए भाई माइनिंग करने का जगह ही नहीं। फिर मैंने अपने आइलैंड से रास्ता बनाया दूसरे आइलैंड में जाने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ खाना पीना, भेड़ बकरी चट्टा फट्टा। तो इसलिए मैंने थोड़ी स्टोन के टूल्स बनाए और माइनिंग करना शुरू किया। कोल को माइनिंग किया, इससे मैं टॉर्च बनाता और मैं देखता, और सामने देखिए क्रीपर की फौज, मतलब क्रीपर की फौज। और देखिए मैंने लाल पेड़ तोड़े क्रीपर की फौज। देखने के बाद मुझे पता चल गया मेरी एक्सपी की कोई कमी नहीं थी। फिर मैंने कुछ भेड़ बकरी मारे, मारने के बाद मैं सामने जा रहा था, सामने जा रहा था तो मैंने आयरन देखी, मैंने थोड़ी आयरन माइनिंग की। मैं फिर पहले आया था, सामने विलेज भी था और नीचे एक टूटा फूटा आइलैंड भी था जिसमें मैं अपना घर बनाने वाला था। और घर बनाते बनाते मुझे याद आया कि मुझे सोना है, क्योंकि पीछे जब मैंने मुड़ के देखा तो मैंने कुछ अलग ही नज़ारा देखा, वाओ सनसेट। मैंने बेड बनाया, वहाँ पर सो गया। डे टू मुझे पता चल गया कि मुझे लकड़ी तोड़नी है, तो लकड़ी तोड़ा और बेसिक से आयरन का टूल्स बना दिया, आयरन की पीस, आयरन के बकेट। फिर मैंने एक्सप्लोर करने के लिए गया विलेज पे और मुझे थोड़ा कोल मिल गया, थोड़ा दीना पत्थर मिल गया और मैं विलेज में जाता रहा। जाते 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 मुझे मिल गया एक पहाड़ और नीचे था एक ढीला सा आयरन कॉलम, जिससे मुझे मारने की बहुत इच्छा थी, लेकिन सामने मिल गया गोल्ड जिसके लिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब जान से छोटा है भाई। फिर मेरे नीचे रास्ता था जिसमें मेरे घर बनाने वाला था, मतलब वो छोटा फुट्टा आइलैंड, वो यहाँ पर बहुत घास था। सो मैंने घास को क्लीन किया, पेड़ तोड़े, पेड़ कट्टे और वापस हो गए। मुझे बना था कि सीक्रेट बेस, जिसलिए मैं पेड़ तोड़ने लगा और इन्हें क्लीन कर लगा। सामने था एक डायमंड जो मुझे चाहिए था, लेकिन पहले मैंने पेड़ तोड़ा, खुद को कंट्रोल किया, नीचे एक सीक्रेट बेस बनाने के लिए माइनिंग करता रहा। फिर मैंने लड़त लगाया, लड़त बना के मैं नीचे गया और पूरे एरिया को साफ करता रहा, बेसिक टूल चेस्ट और मेरे अपना फेवरेट बेड वहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद मैं वहाँ सोने का ट्रेक नहीं हुआ, दिन था, मैं बाहर गया और वो डायमंड माइनिंग करने के लिए बहुत दूर था, मतलब दूर गया था, बट डायमंड को मिल गया। मेरा लक बहुत ख़राब था क्योंकि मुझे मिला एक डायमंड। सो डायमंड माइनिंग करते करते हो गया था बहुत देर, तो मैंने कार्बन बना लिया, आयरन टूल्स बना लिए और वापस हो गया। फिर डे फोर तो मैं तो उठ गया था, उठने के बाद मैंने लेडर्स बनाए थे विलेज में जाने के लिए, बिकॉज लेडर्स से बिना लेडर्स नहीं स्टेयर्स बना लिए थे। फिर मैंने थोड़ी आयरन की माइनिंग की, माइनिंग करने के बाद मुझे और भी फ्लोटिंग आइलैंड मिल गया था, जो जिससे मैं इग्नोर मरते हुए एक कॉलर के ऊपर गया और लोहे के आदमी को मारते मारते उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने आयरन का थोड़ा सा चीज़ें बनाई जो ज़रूरी है बहुत ही। फिर मैं नीचे गया, नीचे जाने के बाद मेरे थोड़े डायमंड मिला, डायमंड माइनिंग करते 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 बहुत देर हो गई थी। तो देर होने के बाद मैं रात भी हो गया था, तो मैं अपने घर में आया और वो रास्ता बंद करते करते क्रीपर आ गया। क्रीपर बाबा जी आत्महत्या कर लिए और यहाँ पर हड्डी मेरा बड्डी था जो मुझे मारना चाहता था, मैंने उसे ही मार दिया। फिर मैंने अपने बेस को ठीक किया, ठीक करते करते बहुत देर हो चुकी थी तो मैं सो गया। डिफाइव को मैंने अपने बचाव के लिए कुछ शील्ड बनाए जो कि काफ़ी बहुत बढ़िया था, मुझे क्रीपर की आत्महत्या से मुझे बचाने वाला था। तो मैंने थोड़ा माइनिंग की, माइनिंग करते करते मुझे लगा था मुझे निदर में जाना है, निदर में जाने के लिए लावा चाहिए था, मतलब वो क्या कहते उसे पता नहीं, उतना भूल गया। तो मुझे थोड़ा डायमंड मिल गया, डायमंड माइनिंग करते करते हड्डी के बड्डी के साथ लड़ाई करते करते मुझे कुत्ता मिला, कुत्ते को मैंने टेम कर लिया हड्डी की हड्डी से। फिर उसे मैं अपने घर में लाना वाला था, बट हो गया दिन डे सिक्स, मैंने अपने कुत्ते को घर में लगाए। घर में आने के बाद मैंने सुना डायमंड का 100 डायमंड का कुल्हाड़ी बना लिया। कुल्हाड़ी बनाने के बाद मैंने खेती शुरू किया, क्योंकि खेती ही के हमारे देश का मेन चीज़ था, मतलब मेन पंथा। और माइनक्राफ्ट के अंदर खेती नहीं करोगे तो खाओगे नहीं तो मर जाओगे, मर गया तो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हार्डकोर पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर कौन सा कीड़ा गया, मुझे एक्सप्लोर करने की भूत सवार हो गया। तो मैंने एक और विलेज एक्सप्लोर करने के लिए गया, बट मुझे विलेज मिल गया, बट मैंने माइनिंग करना शुरू किया डायमंड की खोज में। बट माइनिंग करते करते रास्ता खत्म हो गया था, बट माइनिंग करना खत्म ही नहीं हो रहा था। डे 8 की शुरुआत हुई थी तब रास्ता खत्म हो गया था, रास्ता खत्म होता तो सामने एक डायमंड का भिला मिल गया। डायमंड के भिला लूटते लूटते मेरे घर में आ, क्योंकि मुझे बनाना था कि स्टोन ब्रिक्स से मैं बनाने वाला था अपनी बेस का प्राचीर, मतलब वॉल्स। तो मैंने लकड़ी तोड़ा, लकड़ी तोड़ने से जो आपने
बनर बेसिक स्टार टूल बनाया। टूल बनाने के बाद मैंने स्टेयर बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे अपने रास्ते को और भी कंफर्टेबल बनाना था। कंफर्टेबल बढ़ते 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 मुझे पता चला कि मेरा रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया, बट मुझे और भी ब्यूटीफुल स्टार बनाना था। तो उसको उस स्टोन ब्रिक से मैंने अपनी बेस का पूरा हुलिया बदल डाला। इसका मैं चारों तरफ वॉल खड़ी कर दी चाइना वॉल की तरह। फिर मैंने माइनिंग करना शुरू किया। फिर मुझे कोल मिल गया जिससे मुझे बनाना था कोबल स्टोन से भड़ाल स्टोन मतलब ये स्टोन ब्रिक्स। सो मैंने अपना रास्ता बने कि बड़ा जाता और डिटेन भी हो चुका था। और मुझे सुंदर से बैम मिलेगा, बैम को तोड़ा, बैम देखा नीचे एक टूटा फूटा पोर्टल था। तो मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो मैंने थोड़ी लाइट लगाई कि मॉब्स स्पॉन ना हो और सो गया। सोते मुझे याद आया कि डे 11 पर मुझे पोर्टल का याद आ गया, तो वो मैं पोर्टल के पास गया। पाँच जाने के बाद मुझे वहाँ चेस्ट मिला जिसके अंदर भरे भरे जूते और भरे भरे आयरन इंगेट मिल रहे थे, लेकिन सारा कोई कुत्ता कोई हरामी परेशान कर रहा था मिट्टी से। उसका नाम था एंडरमैन। सो एंडरमैन के इग्नोर मारते हुए मैंने सारे के साथ नीदर कनेक्ट किया और ऑब्सीडियन मिले रहे बिकॉज मुझे जाना था नीदर में, और वहाँ पर गोल्ड ब्लॉक था जिससे मैं करने वाला था काला धंधा। काला धंधा इज द गुड विच। और मैंने अपने वॉल को भी कंटिन्यू किया और अपने चार बेस का चारों तरफ टॉर्च लगा दिया ताकि इस या मॉब्स स्पॉन ना हो। उसके बाद डे 12 में 13 दोनों दिन ही मैंने एंडर पोर्टल बनाया और एंडर मतलब निंदर में चला गया मतलब जहन्नम में। जहन्नम में जाने के बाद मुझे देखा कि ये जहन्नम का मुंह सभी दान सदान लग रहा था और सामने पगले का किला था मतलब टूटा फूटा काला किला। काला किले के अंदर जाने के बाद मुझे पता नहीं दो तीन चेस्ट मिले जिसके अंदर खाली पीली हथौड़ा मतलब फॉर्चून 3 का पीकेस मिला था जो काफ़ी बढ़िया था, और एक्सीडियक्स भी सामने मिल गया था। और इस किले का नाम मुझे पता नहीं, कमेंट में जाके जरूर बताना कि इस किले का क्या कहते हैं। फिर मुझे अपने घर के लिए रवाना हो। डे 14 को मुझे याद आ गया कि उस पहाड़ी के नीचे 2 डायमंड था जिसके मुझे लूटना था क्योंकि तब मेरे पास कोई अच्छा आर्मर ना अच्छा टूल नहीं था। तो मैं एनविल बनाया और टूटने गया वो डायमंड। तो मेरे पास था फॉर्चून 3 का, तो मैंने इस 2 डायमंड को तोड़ा और मुझे अपने स्टैक के अंदर कुछ गजबी चीज मिला, 3 डायमंड्स। वाओ 3 डायमंड्स मिल गया भाई, 2 डायमंड्स के बदले फॉर्चून 3 कमाल की है भाई। सो मुझे मॉब्स दिखने और मैंने दूसरे के घर पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद डे 15 शुरू हुआ और मैंने पानी से नीचे जाना शुरू किया क्योंकि मुझे एरिया बहुत गंदा रखना था। और मैंने फॉर्चून 3 की पिकअप से और भी खुदाई करना शुरू कर दिया और मुझे और भी डायमंड्स मिल गए। डायमंड्स लेते 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 मुझे इतना सारा लालच हो गया कि मैं डायमंड की माइनिंग करता जा रहा था और इतना डायमंड की माइनिंग किया कि मेरे पास तो पूरा डायमंड आर्मर ही बन गया भाई। हेलमेट बन गया, चेस्ट प्लेट बन गया, पैंट बन गया और चप्पल भी बन गया, सारा का सारा रेडी था जिसमें डांस भी करने वाला था। मुझे डांस आता नहीं था तो मैं निदर में गया। निदर में जाने के बाद मैं वापस आ गया कि अपना चीज़ लाना ले जाना भूल गया था। तो अपने खेती बाड़ी को ठीक करने के लिए मेरे यहाँ पर कुछ पम्पकिन सीड्स पम्पकिन नहीं उसके कहते वाटरमेलन सीड्स लगा दिए और अपने स्टेयर को तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ते मुझे पता चल गया था मेरे स्टेयर उतने भी खास नहीं, तो मैं गया नदर में कुछ इंपॉर्टेंट काम था। डे 17 और डे 18 में नदर में जाकर अपने इंपॉर्टेंट काम करना शुरू किया था। मुझे फोर्ट्रेस चाहिए था क्योंकि फोर्ट्रेस के अंदर था कुछ अलग ही चीज़। तो सामने मुझे था हड्डी के मंडी के पास ही था फोर्ट्रेस जहाँ पर मैग्मा भी उछल कूद कर रहे थे। सो मैं अब बिना देरी करते हुए मैं फोर्ट्रेस के अंदर गया। फाइनली मुझे मिट्टी खोदते खोदते जमीन खोदते खोदते फोर्ट्रेस मिल गया। सामने था ब्लेज जिससे मुझे मिलने वाला था ब्लेज रोड, और ब्लेज स्पोनर के पास गया और सारे के सारे ब्लेज को कातिल कर दिया और सारा का सारा ब्लेज रोड ले लिया। उसके बाद ब्लेज रोड का बनाया चूरन और अपने खेती बढ़ाने के लिए मैंने और भी ज़्यादा बीज बो दिए क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत सारा खाना क्योंकि मैं मारने वाला था एंडर ड्रैगन को। फाइनली वक्त आ गया था एंडर ड्रैगन का। वेट यहाँ पर मैंने 100 डे सर्वाइव किया, बट एंडर ड्रैगन को एक अभी मार दूँ तो पूरा मजा की कीड़ा हो जाएगा। बट नो टेंशन, हम एंडर ड्रैगन को 2 बार मारेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऊबर खबर जिमी को थोड़ा फ्लड किया, इस फ्लड का मतलब था सामान किया। उसके बाद मैंने अपने बेस के नीचे गया और मुझे अपने बेस को पूरा तोड़ना पड़ा क्योंकि मैं डे 19 डे 21 तक मैंने पूरा का पूरा बेस को तोड़ के बदल डाला कि मॉर्निंग सा बेस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
रिपेयर बोरिंग बेस को रिपेयर करते 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 मुझे एक चीज़ याद आ गया कि मुझे पेड़ तोड़ना था, लकड़ी बनाना था, कि मुझे दीवार पे भी लकड़ी लगाना था क्योंकि मेरा बेस की दीवार उबड़ खावाड़ अगले पत्थर से भरा हुआ था। तो बाहर गया, पेड़ तोड़ने सारा पेड़ तोड़ दिया और मुझे अपना बेस की छत भी ठीक करनी थी, तो मैंने छत भी ठीक कर दिया अपने स्टोन ब्रिक से। फिर अपने बेस के अंदर गया, जाने के बाद पूरा खुलिया बदल डाला भाई, लकड़ी का बेस मतलब बन दिया और मैं तो पूरा पेड़ ही लगा दिया। यहाँ पर पूरा पेड़ लगाते मुझे ये पर कुछ डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद मुझे लग रहा था कुछ तो कमी है भाई, चारों तरफ देखा लग रहा था कुछ तो कमी है दया समझो दया, कुछ तो कमी है। फिर मुझे याद आया यस कुछ तो कमी है, बट उस कमी को पॉडिंग मैं बाद में ठीक करूँगा। मैं डे 24 में नेदर में गया और पता नहीं फोर्ट्रेस को मैंने पहले क्यों नहीं लूटा, बाद में मैंने फोर्ट्रेस को लूटना शुरू किया। फोर्ट्रेस को लूटते लूटते मुझे मिल गया डायमंड और कुछ गोल्ड, जिससे मैं करने वाला था काला धंधा, बट काला धंधा इज नॉट सेफ फॉर माइंड एंड हेल्थ। सो मुझे नीचे था कुछ हड्डी, बट मैं हड्डी का क्या करता, सोचते मैं नीचे उतर आया। उसके बाद डे 25 और डे 26 तक जगह को एक्सप्लोर किया और मैंने कुछ सैंड भी कलेक्ट कर लिए थे कि जी, क्योंकि मुझे लगना था शुगर केन से मैं करने वाला था बड़ा पेपर से करने वाला ट्रेड, लेकिन ये जोमी भाई मेरे पीछे नहीं छोड़ रहे, तो जोमी को टुमी मारते हुए मैं सामने की तरफ गया और मैं जब आ रहे थे तो मैं वहाँ से भाग के निकल गया। भाग के आने के बाद मुझे रियलाइज़ किया कि यहाँ पर बहुत बड़ा रास्ता है, रास्ते को तोड़ना चाहिए। फिर मैं अपने घर गया, घर में सो गया। फिर 27 को मैं बाहर मतलब निधर में गया, निधर के जाने के बाद मैं काला धंधा शुरू कर दिया क्योंकि काला धंधा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मुझे वो बेटर लगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खुद ही मैं थोड़ी ख़राब हो रहा था इस टीप का। तो मैं प्लेस पाउडर बना लिया, प्लेस पाउडर बनाने के बाद मैंने थोड़ी एंड्राइड बनाने की कोशिश की, एंड्राइड थ्रो किया, बट मेरे पास इनफ एंड्राइड था ही नहीं। इनफ एंडर आई ना रहते हुए भी मैं इंडर पोर्टल को ढूंढने गया और मैं बीच में सो गया। फिर मैंने फिर से उठा, अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करते 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 एंडर आई ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा नहीं दिया, पता नहीं वो कहाँ पर जा रहा था, पर मुझे और भी क्या कहते हैं एंडरमैन का आँखें मिल गया था, जिससे मैं बनाने वाला था एंडर आई ऑफ एंडर। सो आई ऑफ एंडर मरते मरते मुझे नीचे दिख गया वो एंडर पोर्टल का सुरंग जिसके अंदर था वो, बट यहाँ पर बहुत ज़ॉम्बी बहुत परेशान कर रहा था वो। फाइनली मैं पानी की मदद से नीचे आ गया। आने के बाद मुझे यहाँ पर एंडर लगाते 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 यहाँ पर एक एंडर आई बच गया था यार, एक की वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ गया, यह बहुत ही दाइन सभी है। तो मैं वहाँ पर अपनी गलती मार ली भाई दुखी मन से, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर खुद थोड़ी चोरी चकाड़ा करते हुए गया क्योंकि मुझे चाहिए था अपनी बुद्धिमारे के लिए चाहिए था बुक्स, और बुक्स शेल को तोड़ डाला। तोड़ने के बाद में ये सारे बुक्स ले जा रहा था, बट मम्मी भैया मेरे पीछे पड़े थे, तो मैं बहुत जोर से भाग भाग के मैं अपने घर पे आ रहा था। आने के बाद मैं यहाँ पर बुक्स का बॉक्स रख दिया और चारों तरफ बुक शेल्फ्स लगा दिए क्योंकि अब मैं बनने वाला था टैलेंटेड स्टूडेंट। यस डे 32 पर मैंने कुछ डायमंड का टूल्स बना लिया। टूल्स बनाने के बाद मुझे वहाँ पर अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी लगाया, अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4, और काफ़ी सारे चीज़ें मुझे मिल गया था वो नीले पत्थर की वजह से, थैंक यू नीला पत्थर। फिर वहाँ पर लगाते लगाते मैं उसका नाम दिया मैनी मुनी, पता नहीं कौन सा नाम मैंने दिया था, मुझे खुद भी आदमी में आँखें बंद करके नाम लिख रहा था अपने स्पेशल आइटम का, मतलब आइटम नहीं अपने टूल्स का। फिर मैंने माइनिंग करना शुरू किया, मुझे लग रहा था कि मुझे डायमंड्स मिलने वाले, क्योंकि डायमंड्स के लालच में बंदा हो गया था और सामने का एड्रेस को भी डायमंड छोड़ के तोड़ डाला। उसके बाद मुझे नीचे आया और क्रीपर बाबूजी मेरे सामने आत्महत्या की कोशिश करा, बट मैंने कहा तुझे आत्महत्या की करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुझे खत्म कर देता हूँ, लेकिन वो खत्म हो ही नहीं रहा था, लेकिन लास्ट सोल बचा मार दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद डे 33 में मैं गया विलेज में लूट नहीं बचाऊंगा, तो मेरी इतनी बेशाती नहीं है कि वहाँ झड़ना था, झड़ने का कोई मतलब नहीं था, और नीचे पानी जा रहा था, मैं पानी का फॉलो करते हुए वहाँ पर देखा वो भी ढीला अभी भी वहाँ पर खड़ा था, और मुझे उसे मारने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करते हुए मैं नीचे गया। बट नीचे एक भैया था, उसके लाइब्रेरी बनाने के बाद उसके यहाँ ट्रीट किया, बट वो कंजूस का बच्चा अच्छा कुछ दे ही नहीं रहा था। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैं फिर से उसके पास गया। जाने के बाद मैंने डे 34 पे कुछ कुत्ते को फिर से अपना पालतू बनाने की कोशिश की, पालतू नहीं बना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा
भेड़ की भेंट मॉडल का रिसाइट किया बिकॉज बहुत देने वाला था मुझे ऊल वुल्स बनाने वाला था, बहुत डिजाइनेबल चीज है। तो मैं यहाँ पर फसल को काटना शुरू कर दिया किया था क्योंकि मुझे अपने भेड़ों को भी बड़ा करना था। तो मैंने अपने घर को फिर से तोड़ना चालू किया क्योंकि मुझे अपना घर भी तोड़ के बहुत बड़ा बनाना था और इस बार मैं बनाने वाला था कुछ अलग ही चीज़। और ये है वो अलग चीज़। तो मैं अपने बेडरूम के साइड में ग्लास लगाया था बट ये कुछ मोटा मोटा सा लग रहा था तो मैंने इसे तोड़ डालना शुरू किया और यहाँ पर लगा है पतला ग्लास। ग्लास लगाते लगाते वो बन गया पूरा पतला और दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। मैंने बेड लगाया, अपने फेवरेट चीज़ें वहाँ पर रख दी। फिर मैंने एक और विलेजर को ट्रीट करना शुरू किया बट वो हाँ स्टिक्स के बदले एवरेल दे रहा था। और इस विलेजर के पास आया मतलब लाइब्रेरी के पास आके साले हरामी को पकड़ के पीटने का मन कर रहा था भाई, डिस्काउंट ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने बिना डिस्काउंट की चीज़ें रहते हुए वापस आ गया, अपनी भेड़ बकरी को पालना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या क्या था उसके बीच में, ठीक से पढ़ा ही नहीं। सो भेड़ बकरी के ऊल काटने के बाद मैं जा रहा था विलेज ही, लेकिन सामने मुझे कुछ अजीब सा चीज़ दिख गया था। ये मिट्टी भाई, मिट्टी भी सही जगह पर है भाई। सो यहाँ पर मुझे थोड़ा मौसम मानना था क्योंकि मुझे एक्सपी नहीं था तो मैं एंजॉय कैसे करता। तो यहाँ पर पूरा दिन में मोपसी मरता रहा, खाना खाता रहा, मोपसी मरता रहा। डे 39 पे मैंने अपनी बॉब पे थोड़ा अलग ही पावर लगा था, पावर 4 और पंच 2। उसके बाद मुझे एक बनाना पड़ा एक ब्रांड न्यू सॉर्ड। उसके बाद मैंने उसमें कुछ अलग ही चीज़ शार्पनेस 3 लगाया था, शार्पनेस 3 और पता नहीं कुछ क्या। उसके बाद मुझे लगा कि उसका नाम भी बदलना चाहिए, तो उसका नाम भी बदलने के बाद मुझे एक विलेजर दिख गया जो विलेजर को मैं बनाने वाला था एक लाइब्रेरियन। उसके बाद उसके साथ करने वाला था ट्रेड, लेकिन साला कंजूस का बच्चा नहीं दे रहा था। तो मैंने लकड़ी तोड़ा, इसकी स्टिक बनाया और उसके बदले एमरल्ड ले लिया। और यहाँ पर एक कछुआ था और एक जॉम्बी विलेजर, तो मैंने जॉम्बी विलेजर को पकड़ के मिट्टी से अटका डाला। उसके बाद में जॉम्बी विलेजर को ठीक करने के लिए गोल्डन एप्पल और कुछ पोशन बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो कि मुझे नेदर में मिलने वाला था, लेकिन मुझे यहाँ पर लकड़ी तोड़ा कि लकड़ी इज प्रिटी हेल्थ, प्रिटी गुड फॉर हेल्थ। सो फिर अमरिल की अमरानी करते 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 मुझे याद आया कि मेरे जॉम्बी विलेजर था कि फुल जॉम्बी बन गया साला। अगर अब तो इसे मारना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने मेरा टाइम बर्बाद किया कि मैंने बो निकाला और सॉरी तलवार निकाला और उसके सर पर दे मारा, एक और लगा और भी लगा और सलाम ढेर हो गया, पूरा के पूरा मेहनत उसने खराब कर दिया। फिर मैंने ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर थोड़ी सस्ता सस्ता चीज़ मिल रहा था, तो मैंने सस्ता नहीं भाई वो महंगा था, तो मैंने फिर से उसे बनाया लाइब्रेरियन, फिर से बन गया, फिर से बना लाइब्रेरियन, फिर से मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में चीज़ मिल गया। तो मैंने उस चीज़ को अपने बो में लगा दिया और उसका नाम थोड़ा अली की नाम लगा दिया। फिर उसको फॉर्चून 4 लगा था शायद। फिर डे 42 और डे 45 के मैं आ गया नीचे और मार लगा मॉब्स क्योंकि मेरे XP बहुत कम था और मुझे करना था एंजेंट। तो वहाँ पर थोड़ा आयरन को तोड़ डाला कि मैं थोड़ा माइनिंग करना शुरू किया क्योंकि कोल मिला, डायमंड भी मिल गया भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे अपने पसंद चीज़ मतलब आयरन को मैंने स्मेल्ट करते हुए दिया था तो सार का सारा ले लिया। और यहाँ पर मुझे एरो था, हमारा एंड्राई भी था, एक एंड्राई था जो चाहिए था। तो सारा का सारा चीज़ मैंने चेक कर लिया था और मैं मारने वाला था एंडर ड्रैगन को, अपने कुत्ते को मैं यहाँ पर पहरेदारी के रखने वाला था क्योंकि कोई भी मॉब्स अंदर ना हो भाई। फिर मैं रवाना हो गया अपने एंडर पोर्टल के लिए। एंडर पोर्टल बस नीचे था तो मैंने पानी के थ्रू छलांग मार दिया, एंडर पोर्टल ओपन किया और एंडर पोर्टल के अंदर मुझे छलांग मारने से पहले मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं यहाँ पर बिस्तर लगाया। बिस्तर लगाने के बाद यहाँ पर सो गया। फिर सोने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ तो कमी है बट उस कमी को पूरा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि मैं अभी सोने वाला था। सो के उठने के बाद मुझे एंडर पोर्टल के अंदर कूदने की बहुत इच्छा हो रही थी तो कूद गया। कूदने के बाद मुझे एक अच्छी जगह पर स्पॉन हुआ और ऊपर में इंडर ड्रैगन भी उड़ रहा था। तो आप मेरी और इंडर ड्रैगन की फाइट को एंजॉय किया। फिर मैं इंडर ड्रैगन को टपकाने के बाद वहाँ के जितने भी XP था उस सबको चुरा लिया। चुराने के बाद मुझे लगा कि मुझे वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर था एक
अंडा जिस लेने के लिए मुझे चाहिए था पिस्टन, जो कि मेरे पास नहीं था। तो मैंने कुछ अलग ही शहर पर जाने का फैसला किया, क्योंकि ये जगह मेरे शहर रहता है और जाने का रास्ता ये है। और जाने के बाद वर्ल्ड आया और वहाँ पर ऊपर पता नहीं कुछ था, उसको क्या कहते मुझे पता नहीं, शायद कोई शहर ही था। तो मुझे मिलने वाला था इलाइट्रा और साथ में शल्कर्स, मतलब शल्कर बॉक्स। तो मैं यहाँ पर जाने वाला था, बट शल्कर के बच्चे लोग मुझे मार रहे थे और उड़ा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े पेड़ तोड़े, पता नहीं कौन से क्वालिटी के पेड़ थे। पेड़ तोड़ने के बाद मैं यहाँ पर आया और मुझे पता नहीं था कि कौन सा इलाका। आई एम फर्स्ट टाइम इन हेयर, और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो, ये जो आप लोग मेरे चैनल के पहला वीडियो देख रहे हो, जल्दी से फटाफट चैनल में सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक ठोक दो यार, पता नहीं की जरूरत क्या है, कर दो। उसके बाद सामने एक शिपरेक मिला, शिपरेक कहते हैं या फिर शहर कहते हैं पता नहीं मुझे, बट किला जैसा लग रहा था। मैंने शल्कर उसको मारा कि वरना शल्कर मुझे मार देता था। शल्कर उसको मरते मरते डे 50 भी हो गया था और सामने बहुत कछुआ जंगल था और मुझे एक और सा सिटी मिल गया था, शहर। जिस शहर के अंदर रहने वाला था कोई बंदा जिसको मैं मरने वाला था, कंदा। और वहाँ पर से लूट करते करते मुझे थोड़ा सा गोल्ड मिल गया और मैं फिर से रवाना हो गया किसी और शिप रैक के लिए। फिर शिप का लूटते लूटते मुझे इलाइट्रा मिला कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सामने भी एक घर दिख रहा था, घर या शिप रैक भाई, लेकिन बहुत बड़ा था यार। और उसके पास में एक और था, तो मुझे दो दो इलेक्ट्रिक मिलने वाला था, मुझे पता चल गया था। और मैं इस वर्ल्ड के डर से रास्ता बना रहा था कि डर इज गुड फॉर रास्ता बनाई। फिर इसके अंदर आया, फिर इसको चेस्ट लूटा, लूटने के बाद मुझे इलेक्ट्रा मिल गया फाइनली, और मैंने इलेक्ट्रा को पहन लिया। पहनने के बाद मुझे उड़ते उड़ते एक और शिप ट्रैक के अंदर गया और वहाँ से एक और इलेक्ट्रा भी उठा लिया। उठाने के बाद सब लोग मुझे चोर चोर बोल के मारने लगे थे, मैं फटाफट वहाँ से भाग के निकल आने की इच्छा में था। और मैं डे 53 से डे 55 डे 54 तक सिर्फ ऐसे भाग कर रहा, और उसके बाद मुझे फाइनली अपना खुफिया ठिकाना का, मतलब खुफिया रास्ता शायद मिल गया था, मिल नहीं गया था, मैं इलाइट्रा से उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे रास्ता मिल गया था। तो मैं यहाँ पर एंड पोर्टल के पास आ गया और अपने नॉर्मल वर्ल्ड में चलाया। आने के बाद मुझे रियलाइज किया कि मेरा कुत्ता बहुत दिनों से भूखा है, कुत्ते के बच्चे मुँह क्या दिख रहा है। उसके बाद मैं अपने बेकार का सामान को यहाँ पर रख दिया, पता नहीं कौन सा बॉक्स था, पेड़ से म्यूजिक बॉक्स लगा था, यहाँ से म्यूजिक बज रहा था यार, बहुत बढ़िया चीज था। फिर मैंने यहाँ से रॉकेट बनाया, रॉकेट बनाने को एक्सप्लोर किया, पूरा का पूरा वर्ल्ड मैंने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करते 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 पता नहीं मेरे इलाइट्रा को क्या हो गया था, मुझे खुद भी नहीं पता था। एक्सप्लोर करते करते पूरे मेरे यहाँ पर दो म्यूजिक डिस्क लगाया, सामने भी इलाइट्रा से बहुत ही मुझे से सुपर हीरो की तरह उड़ रहा था। उड़ते 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 मुझे सामने और भी कई सारे जगह दिख रहे थे। यहाँ पर आइस बैल था जिसके अंदर बहुत ही आइस वाले क्रीपर, आइस वाले मॉन्स्टर थे। तो मुझे पता नहीं था कि किसे उड़ते माइनक्राफ्ट में, मैं पहली बार उड़ रहा था। फिर मुझे पता चला कि मेरा तो पूरे इलाइट्रा की पावर खत्म हो गई। फिर इलाइट्रा में एक या एक करने के बाद उन दोनों में मंडिंग लगाने के लिए मुझे चाहिए थे एमरल्ड से मैंने गया मंडिंग की बुक। फिर अपनी इलेक्ट्रा में लगाया मंडिंग लाने के बाद मैं मॉस मारने गया जिससे मेरी इलेक्ट्रा रिपेयर हो जाए। तो मॉस मारते 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 पता नहीं कितने साल हो गए, कितने बच्चर हो गया, मैं फिर से अपनी इलेक्ट्रा को पहन लिया। पहनने के बाद यहाँ पर उड़ते उड़ते आ रहा था, तब मुझे कुछ अजीब सा इलाका मिल गया था। अजीब से इलाके के अंदर कुछ अजीब सा शुगर कैन था जो मुझे और भी 20 दिन पहले चाहिए था, बस मुझे अभी मिल गया। तो मैंने सारा शुगर कैन को उठा लिया। उठाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि हाँ मेरे घर के अंदर मेरे शुगर कैन होल्डर, आखिर मैं खेती बा रही हूँ, मतलब मैं खेती बाड़ नहीं हूँ गेम के अंदर। और यहाँ से भेड़ का खाना खिला के उसके कपड़े हड़पते मुझे मेरे पास बहुत सारे कपड़े मतलब वूल हो गए थे, दूसरे कपड़े चुटाने का मजा ही कुछ और है। फिर मैंने वहाँ पर बहुत सारा गलती से बेड बना लिया, मैं अपने जूते का रिपेयर किया, अपने हेलमेट पर कुछ अलग ही चीज़ लगा दिया जिसका कोई मुझे अंदाजा भी नहीं था। और यहाँ पर और भी कुछ स्पेशल चीज़ लगने वाला था जो कि मुझे पता भी नहीं था। और वहाँ पर बहुत सारा बेड था, पता नहीं बेड का क्या करता, मुझे तो विलेजर पर नहीं पालने। और आते के आते यहाँ पर ब्लास्ट हो गया भाई, क्या ब्लास्ट हुआ भाई, अरे क्या ब्लास्ट बोल, मैंने खाना खाया, वैसे खाने का कोई जरूरत ही नहीं था, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और ये पूरा इलाका मैंने खोदते खोदते मुझे एशियन डेबरी के मिल गया भाई, पहला एशियन डेबरी, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, पांचवा भी मिल गया भाई, छठ नंबर सेवन मिल गया भाई, आठवा मिल गया क्या
अंदर भी दिखाई नहीं दे रहा भाई, इतना अंधेरा है भाई ये बार। सो मैंने खोते 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 पता नहीं कितने सालों से, कितने लाखों साल से खोद रहा है, क्रिस्टल टाइप का कुछ चीज मिल गया, पता नहीं इसका काम क्या, बस एक्सपी मिल रहा था भाई। और ये बार और भी एशियन डेब्रिक मिल गया था। मैं अपना फुल आर्मर को नेदराइट का बनाने की औकात रखता था भाई। तो नेदराइट का आर्मर के साथ में पोर्टल के पास आया और किसी ने मुझे अटैक किया, तो मैं भाग के वापस आ गया और इन सबको मैं पिघल के बनाने वाला था। क्या कहते हैं उसे, एशियन पता नहीं उसका नाम क्या है, फिर से दिखने वाला था, बट मैं उससे बनाने वाला कुछ अलग ही चीज़। इसका मतलब मैं अपने सारे के सारे टूल्स को वो तो लगा दिया, अपने पैंट को मतलब चिड्डी को, अपनी चेस्टलेट को, अपनी हेलमेट को पता नहीं लगा नहीं पाया, हेलमेट को कुछ अलग ही बार मैंने लगाया और हेलमेट बहुत ही चमक रहा था यार। फिर मैंने हेलमेट को पता नहीं ग्री ग्री क्या हो गया था, मैंने पता नहीं क्या लगाया था, बहुत दिन पहले का वीडियो है। तो आज मैं यहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंटिंग फंडिंग का लगाने लगाते 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 बहुत दिन हो गया था। और मैं जो एक बुक भी मिल गया, तो बुक के अंदर मैंने कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉट लगा दिए थे, लगा देने का अंदर पूरा आर्मर तो नजर का नहीं होता, हेलमेट के बाकी था बचा हुआ था। और यहाँ पर कीपर बाबा जी को एक शॉट मारते मर गया भाई, बहुत ही पावरफुल था वही नेदर का, नेदराइट का शॉट बहुत ही पावरफुल है, हड्डी मेरा बड्डी था जिसको मुझे मारना था। और उससे मुझे मिलने वाला था जादुई जादुई चूरन। तो यहाँ से मुझे फॉर्चून 3 का हेलमेट मैंने बना लिया था। और बनाने के बाद यहाँ पर इसको भी मैं नेदरिंग गेट से बनाया हुआ। आप सोच रहे होंगे अभी तो इसके पास नेदरिंग गेट था भी नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैं खुफिया आदमी हूँ भाई, पता नहीं कहाँ 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 पर क्या क्या छुआ के रहता हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं रहता। फिर मैं यहाँ पर मैं ट्रेडिंग कर लेके ले गया, लेकिन साला ने मेरा दिल ही ख़राब कर दिया। फिर यहाँ पर मैं सो गया, D67 से D68 तक मैं फिर से नदर में गया। नदर में उड़ते उड़ते पूरी बैंक में एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि मुझे नदर में एक्सप्लोर करना था। और इंडर ड्रैगन मारने के बाद गेम खेले में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, तो मुझे इंडर ड्रैगन खुद से मारना था। तो यहाँ पर मैंने ब्लेस रोड को मार दिया, पता नहीं क्यों। फिर ब्लेस को मारते 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 उधर स्केलेटन के मारते मार रहा था। और मुझे पता नहीं क्या, और हाँ भाई मैं तो चेस्ट पहना ही भूल गया, इलाइट टेम्पल के फाइट कर रहा था। यहाँ पर थोड़ा नहीं जहन्नम का थोड़ा फसल चोरी करके ले आया और यहाँ पर लगा दिया, जिससे मुझे बनाना था पोशन और भी कमल की चीज़ें मुझे चाहने चाहिए था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी लिया और यहाँ पर बनाने लगा अपना पोशन। सो पोशन बनाते बनाते बहुत देर हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने अपनी शुगर किंग को बहुत ही बड़ा बना लिया था, क्योंकि बड़ा था मैं तोड़ रहा था। और यहाँ पर मैंने और भी चाहिए पोशन बनाना शुरू कर दिया, पता नहीं कौन से पोशन थे कि वीडियो बहुत पहले की थी और लाइक वीडियो पहले लाइक भी ठोक देना कि वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मैं इसके लिए आई एम सॉरी। बट 100 डेज सर भाई ऐसे पूरा नहीं होता, हमारे जो दूसरे क्रिएटर्स थे मतलब दूसरे जो गेमर्स थे वो देखो है कि 100 डे को 15 दिन या फिर 15 मिनट या 20 मिनट में खत्म कर देते। लेकिन मैं वो बंदा नहीं है, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स देख के आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पर मैं फिर से जीवन के नीचे जो रहता है, अरे यार पता नहीं पहली बार मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने माइंड करना शुरू कर दिया कि मुझे एक्सपी चाहिए था भाई लेटर रिपेयर करने के लिए, लेकिन इसमें नहीं मिला, बैड लक। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा लकड़ी तोड़ा, लकड़ी तोड़ने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा घड़ी उजाड़ डाला, उजाड़ डालने के बाद मैंने अपने पूरे घर को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। चलो अब मेरे घर को एक्सटेंड करना की इंजॉय करो। वो घर को बदलने के बाद मेरा घर थोड़ा सा ऐसा दिख रहा था जो कि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था। तो मैंने ऊपर से भी थोड़ा डिज़ाइन किया, कलेक्शन किया और मेरा घर बन गया था परफेक्ट लुक वाला। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा शुगर केन लगाया, शुगर केन लगाने के बाद फिर मैंने पोशन बनाना शुरू कर दिया, कलेक्शन हो गया था आत्महत्या कर गया। उसके मेरे नेदर में गया और काल हड्डी को मारना शुरू कर दिया, यानी कि उधर स्किल। इसके बाद में उधर स्किल को मारता मारते काला हड्डी मारते मारते पता नहीं कितना सर काला हड्डी मार गया और मुझे उधर हिट भी पता मिला कि नहीं, हाँ मिला 3। हाँ काला हड्डी मारते मारते 100-200 तो काला हड्डी मार दिया। उसके बाद मुझे 2-3 खोपड़े मिल गया उधर स्केल का, जो मुझे अमीर तो नहीं बनाएगा लेकिन काफ़ी खुश बना दिया भाई। तो उसके बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया।
D95 में मुझे याद आया कि मैंने बताया था कि मैं दो बार इंटरटेक को मारूंगा, तो मैं एक बार फटाफट एक्सपी कलेक्ट करना शुरू किया और चला गया एंडर में। एंडर में जाने के बाद मैंने फिर पर थोड़ा पता नहीं क्या क्या डाला, उसके बाद एंडर ड्रैगन फिर से स्पॉन आना शुरू हो गया और इस बार मैं एंडर ड्रैगन को बहुत आराम से एक ही झटके में मार दिया, क्योंकि मेरे पास था इलेक्ट्रा और इलेक्ट्रा की वजह से मैंने ड्रैगन एंडरडेगन को मार दिया। एंडरडेगन गया फूड और पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद मुझे इंडर का अंडा लेना था, अंडा लेने का मुझे चाहिए था पिस्टोन, तो मैंने तो पिस्टोन क्राफ्ट किया। क्राफ्ट करने के लिए जो चाहिए था मुझे सारे का सारा ले लिया, पता नहीं कहाँ दौड़ा लिया था। फिर D96 पे मैंने कुछ अजीब सा चीज़ किया था, बग करते 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 पता नहीं क्या होता। हम वो में थोड़ा सा पावर प्रोडक्शन कर रहा था, लगाते 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 पता नहीं कौन सा फरमाइश हो गया। फिर मैं यहाँ पर मैंने माइनिंग करना शुरू कर दिया। माइनिंग करते करते मैं सीक्रेट बेस बनाया, पता नहीं मैं इसको क्या करने वाला था, लेकिन यहाँ पर लकड़ियाँ तो जरूरत थी उसकी, मैं तोड़ती तोड़ती बहुत कम हो गया था। यहाँ पर मैंने गोल्डन एप्पल बना लिया अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे और भी कई सारे काम करने थे आज नहीं फिर कभी किसी और वीडियो में। यहाँ पर मैंने ड्रैगन की हड्डी लगाई, हड्डी लगाने के बाद यहाँ पर मुझे एंडर ड्रैगन का उप्स मैंने गलती से एंडर एग पर क्लिक कर दिया, वो टेलीपोर्ट होगा, पता नहीं कौन सी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया, पूरी दुनिया को छानक मरा और इसे मेरा 5-6 दिन बर्बाद हो गया, लेकिन मुझे एंडर एग नहीं मिला, पता नहीं कौन सी दुनिया में था। तो ऐसे ऐसे एंडर खुद ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला इस दुनिया को मैं बहुत जल्दी डिलीट करने वाला हूँ। तो लास्ट का एक दिन मैं इस दुनिया में घूम रहा था, तो घूमते 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 कुछ मुझे पता चला इस दुनिया में मैं इस तरह डेकोरेशन करने वाला था, और डेकोरेशन करते करते मुझे और भी कुछ भी याद आ गया था जो आपके लिए अच्छा नहीं था, वेद मेरे लिए बहुत ही धन सुधार था। तो यहाँ पर मैंने तो रास्ता बनाया, रास्ता बनाने के बाद यहाँ पर मैंने डर्ट भी हटा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरे सरफेस बनाना था। सरफेस बनाते मरता मरता पता नहीं कितने रात हो गया था, यहाँ पर मुझे स्पाइडी भैया मारने के लिए आ गए थे, बट मैंने इसे उल्टा मार दिया। फिर मैं अपने पूरे घर को देख रहा था आखिरी बार के लिए, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन बचा था, मुझे इस पूरे वर्ल्ड को डिलीट करना था। ये मेरा 100 डे सर्वाइवल का वीडियो है, बट अभी तो 99 चल रहा था, तो मेरे दिमाग में कुछ खराब हाथी आइडिया है, चीज़ें लिया और माउस को मारने चला गया। माउस मारने के लिए एक कुत्ते के बहुत याद आ रहा था, बहुत कुत्ते की याद आते आते पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुत्ते के साथ खेल रहा था, खेलते 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 यहाँ पर रात होने वाला था। तो मैं यहाँ पर फाइनली हाँ भाई रात हो गया कि हाँ हो गया, तो यहाँ पर फाइनली सोने वाला था कि सो गया। सोने के बाद D100 का शुरुआत और हमारा आखिरी दिन पूरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। तो जो जो वीडियो इस तक देखा है उसने वीडियो के फटाफट लाइक ठोक दो, लाइक एम है 20, हाँ 20 लाइक एम है, और 20 लाइक इनके साथ साथ चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो चलो आज की वीडियो यही तक, 100 डेज तो यहाँ पर पूरा हो गया, डॉक्स खेलते खेलते मैं ये पूरे वर्ल्ड को डिलीट कर दूंगा। तो आज की ये तक, टाटा बाय बाय।